5 मई को नीट की परीक्षा एनटीए ने कराई, 4 जून को उसका नतीजा निकाल दिया, जबकि डेट 15 जून के आसपास यानी 14 जून की थी कि आपको इतना मालूम है। किसी देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, बच्चे पेरेंट्स होते हैं आपस में बात करते हैं तो पता चलता है। 4 जून को हमारे देश का रिजल्ट आना था तो उस दिन नीट का रिजल्ट पहले निकाल दिया। कुछ इसमें अफरा तफरी थी, 67 बच्चे टॉपर बना दिए, जबकि ऐसा हुआ नहीं आज तक जब से नीट का एग्ज़ाम हो रहा है। 2016 से आई थिंक नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके बाद कुछ अलग एजेंसी कराती थी मेरे ख्याल एम्स वगैरह या कुछ, अब बाद में एनटीए बना दी जो सरकारी एजेंसी है। और जिस दिन देश के चुनाव का रिजल्ट आना था उस दिन इन्होंने उसको रिजल्ट को घोषित कर दिया। जब बाद में पता चला इतने बच्चे टॉपर बना दिए गए और उसमें अंकों में कितना हेर फेर था, 720 नंबर का टोटल पेपर होता है जिसमें किसी को 700। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुमा केसरी। 18 नंबर दे दिए, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। अरे उसी में तो मामला जब सामने आया तो कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क दे दिया। बताओ कितना कितना नंबर ग्रेस मार्क, एक एक नंबर पे दो दो पांच पांच सौ लड़के रहते हैं और ये ग्रेस मार्क इतना नंबर दिए वो। एग्जाम ले लेते हो सकता है कि 67 बच्चों में से एक हो, मान के चलो एक भी है, एक चोर ना, अगर किसी को सजा मिलनी है ना, अगर किसी एक ने गलती नहीं की तो उसको सजा नहीं देते। एक हो सकता है अच्छा हो उसमें 67 में, एक बच्चा अच्छा हो सकता है, लेकिन 67 के ऊपर आई ना गाज तो गिरी सीधी। 67 से एक टॉपर भी हो सकता था, हो सकता है कि वो सभी मतलब उनको अलग नंबर दिए हो। गलत है तो गलत है। एनटीए तो आपको क्या लगना चाहिए या आपको क्या लगता है इसका सच सामने आएगा? सीबीआई जांच होनी चाहिए या परीक्षाएं दोबारा होनी चाहिए? जांच तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो दूसरे ओपोजिशन के लीडर जो जीते उनको कदम उठाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं हम संसद में भी उठाएं, अब तो कांग्रेस पार्टी ने इसको एक आगे बच्चों का भविष्य तो दांव पे नहीं लग सकता ना, बच्चों के भविष्य को तो देखना पड़ेगा ना, वो दांव पे नहीं लगना चाहिए और इसकी जाँच होनी चाहिए, दोबारा एग्जाम कराएं। अगर बच्चे मानते हैं कि हमें, जो होशियार बच्चे हैं वो तो कभी नहीं बोलेंगे कि वो तो कहेंगे दोबारा करा लो, वो तो 720 18 15 20 जितने आ रहे थे वो तो दोबारा भी ला सकते हैं, टॉपर दोबारा बन सकते हैं होशियार बच्चों को। इस बारे में आप क्या करते हैं? सर जो भी है इसकी जाँच पूरी होनी चाहिए, कोई मजाक नहीं है, क्योंकि ये देश का भविष्य है। आज का एक बच्चा जो है वो खुद ही मेहनत नहीं करता, उसके साथ में उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है। सर सपने सभी के हैं, बच्चों के भी हैं, माँ बाप के भी हैं। आज हम देखेंगे हमें अपने 10 साल बाद इन होनहार बच्चों को कहाँ और किस पोजीशन में पहुँचाना है। इसके लिए इस एग्ज़ाम की व्यवस्था जो है ना पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं एक सज़ा का ऐसा एग्जाम्पल हो कि आने वाले समय में इस चीज़ को कोई फॉलो ही ना कर पाए, वो सोचे नहीं कि हमने जो है देश के भविष्य के बच्चों के साथ में जो है मजाक करना है। कोई ऐसी सज़ा का प्रावधान जो है हो और वो जल्द से जल्द हो, ये हिस्ट्री ना बने इस चीज़ के लिए। साहब वो चल रहा है। एक चर्चा में जब स्टूडेंट्स में मैं जाता हूँ, आजकल मैं प्रयागराज जाता हूँ, दिल्ली में जाता हूँ जहाँ तैयारी करते हैं, उनमें एक अलग तरह की उदासी ये है कि कोई भी एग्ज़ाम तो हो ही नहीं पा रहा, ये सबसे पेपर लीकेज ये सब। इस देश में 90 करोड़ लोग वोटर हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा वोट दे रहे हैं, ईवीएम लेकर के वो क्या नाम है जांच हो जा रही, नई सरकार बन जा रही, लेकिन एक पेपर नहीं हो पा रहा बच्चों का। सर यही तो एक चीज़ आ रही है कि जो, और ये चीज़ अब से नहीं चल रही, पिछले कुछ सालों से जो हर स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट एक प्रैक्टिस ही बन गई है। उसमें ये नहीं है कि किस किस बीजेपी की है, कांग्रेस की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जेडीयू की सरकार है, आज माने सरकार किसी पार्टी की हो तरीका एक ही हर जगह निकल रहा। सर यही एक प्रैक्टिस चलती चली आ रही है और गुनाहगार कोई भी सामने नहीं आ रहा। अभी पीछे उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, योगी जी ने बहुत बड़ा स्टंट लिया तो आया सामने, मगर जो आया तो वो सजा कहाँ चली गई और वो उसके बाद क्या हुआ? तो ऐसा होना चाहिए कि जो, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो वो ऐसा होना चाहिए, सजा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला काम पे जाए कि भाई मुझे ये काम, ये गुनाह करना ही नहीं है, ये राजद्रोह के बराबर होना चाहिए, अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल करूं। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए ठीक है, आप कोई सरकारी एजेंसी करती है राजद्रोही होना चाहिए। जो भी है आप देखो ना, दूसरे राज्यों में कौन कौन सी सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, बेचारे पुलिस का एग्जाम देने के लिए वो डेट देख रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा बताओ। चुनाव हो जाते हैं अपने कुछ ठीक कर रहे हैं, थोड़ा कुछ और लोग से बात कर लें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कुछ और लोग से बात करें।